हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए अघोरी की शव साधना का पार्ट 3 लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूं कि यहां तक आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अघोरी की शव साधना के पिछले दोनों पार्ट सुने हैं तो ज़रूर आप में कुछ बदलाव तो आया ही होगा। आपका लोगों को देखने का नज़रिया ज़रूर बदल गया होगा। अघोरी शव साधना कैसे करता है वो जानने के लिए बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो आपका इंतज़ार और ना बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अघोरी की शव साधना क्रिया को पूरे विस्तार से कैसे करते हैं। और अगर आपने इस कहानी के पिछले दोनों पार्ट नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी में। जैसे ही शिवशरण की बात शव साधना तक पहुंची, वैसे ही वो बोले, अब रात बहुत हो गई है, मेरी साधना का वक्त हो चुका है, अब आगे की बात मैं फिर कभी बताऊंगा। इतना बोलकर उन्होंने राम सेवक को वहाँ से जाने को कहा और राम सेवक भी बिना किसी सवाल जवाब के उनकी बात मानकर वहाँ से चले गए। राम सेवक के वहाँ से जाने के बाद शिव शरण मंदिर के पीछे वाले तालाब में जाकर स्नान कराए और काली धोती पहनी, अपने बक्से में से कुछ सामान निकाला और वही मंदिर के पास ही रख दिया, जिसके बाद काले कपड़े के ही बिछौने में बैठकर साधना करने लगे। उस रात शिव शरण वो साधना नहीं कर रहे थे जो पहले किया करते थे। ये साधना उससे बिल्कुल अलग थी। ये थी वीर बेताल साधना। उस अमावस की रात शिव शरण ने राम सेवक के घर से उस बेताल को भगाया नहीं था, बल्कि वो उसे अपने साथ ले आए थे। जो मूर्ति राम सेवक के घर में थी वो बेताल उसी में वास करता था। वो बेताल बहुत ही शक्तिशाली था। शिव शरण अपने मंत्रों की शक्ति से उसे आसानी से भगा सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया क्योंकि वो बेवजह किसी भी प्रेत आत्मा को परेशान नहीं करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनके आराध्य शिवजी का एक अंश था। पुराणों में बेताल और उसकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक उल्लेख है, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। शिवशरण जानते थे कि एक बेताल अपनी मर्जी से किसी को भी परेशान नहीं करता जब तक उसे छेड़ा या परेशान ना किया जाए, और वह अपनी मर्जी से राम सेवक के घर नहीं आया था, बल्कि उसके पिता लाए थे और उसे सिद्ध करना चाहते थे। लेकिन गलत साधना के कारण उसी बेताल ने उनकी जान ले ली। उस बेताल को शिवशरण ने राम सेवक के बेटे रौनक के शरीर पर बुलाकर उसके बारे में सब कुछ उसी से राम सेवक और उसकी पत्नी के सामने पूछा। उसने बताया कि वो वीर बेताल है और जब तक उसकी अधूरी साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ऐसे ही भटकेगा और राम सेवक की अगली पीढ़ियों को भी उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। शिवशरण ने उसे बहुत समझाया और वचन में बांध लिया। उन्होंने उसे वचन दिया कि वो उसकी अधूरी साधना पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए उसे उनके साथ चलना होगा और साथ ही रहना होगा। पहले तो बेताल अपनी बात पर आ रहा था कि वो वहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं आया, उसे लाया गया है। लेकिन शिवशरण के बार बार समझाने और विनती करने पर वो उनकी बात मानकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया, जिसके बाद शिवशरण उस बेताल की मूर्ति के साथ साथ मूर्ति के पास रखे काले वस्त्र, बेताल माला, बेताल यंत्र और कुछ बर्तन भी अपने साथ ले गए। ये वही सामान था जो राम सेवक के पिताजी बेताल साधना करते समय इस्तेमाल किया करते थे, जिसे अब शिवशरण इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर राम सेवक के मन में शव साधना के बारे में जानने की बेताबी थी, उधर शिवशरण बेताल साधना करने में लगे थे। लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि गांव वालों के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि राम सेवक तो ये भूल ही गए थे कि उन्होंने कुछ दिनों पहले क्या किया था। उन्होंने गांव वालों के मन में शिवशरण के प्रति जो गलत फहमियाँ पैदा की थी उनकी वजह से गांव वाले शिवशरण को अपना दुश्मन मानने लगे थे।
वो किसी भी तरह उन्हें गांव से भगाने की बातें करने लगे थे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो गया था कि गांव वालों के साथ जो भी अप्रिय घटना या अकाल मृत्यु होती है, शिव शरण ही उसका कारण है। गांव वालों की सोच से अनजान राम सेवक फिर एक बार शिव शरण के पास पहुंच गए। एक अघोरी और शव साधना के बारे में जानने के लिए, बाबा जी, जब से आपने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया है, तब से मेरा मन किसी और काम में लगता ही नहीं है। मैं हर समय सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। कल जब आपने अपनी बात शव साधना पर ख़त्म की थी, तब से मेरे दिमाग में शव साधना बसी हुई है। वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। बताइए, शव साधना कैसे की जाती है और उससे क्या फल प्राप्त होता है? राम सेवक बोले, शिव शरण ने पहली रात जहाँ बात ख़त्म की थी, वहीं से ही अपनी बात आगे बढ़ाई। जैसे ही मैंने अपने गुरु महारुद्र से पहली बार शव साधना का नाम सुना, मैं भी तुम्हारे तरह ही उसके बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया था। लेकिन गुरुजी उसके बाद मुझसे कुछ आगे नहीं बोले, मुझे सिर्फ इंतज़ार करने को कहा। तुम वो ज़रूरी सामान लाए हो? गुरुजी ने कड़क आवाज़ में पूछा। वो आदमी झोला दिखाते हुए बोला, जी गुरुजी, आपने जो जो सामान लाने को बोला था वो सब लाया हूँ। गुरुजी ने उससे वो झोला ले लिया और उसमें से कुमकुम निकाल कर एक जलती हुई चिता के चारों तरफ एक बड़ा सा घेरा बना दिया। घेरा बनाते हुए वो एक मंत्र लगातार पढ़ रहे थे। वो कौन सा मंत्र था बाबा जी? शिव शरण की बात बीच में काटते हुए राम सेवक बोले। वो बहुत धीरे से बोल रहे थे, जिस वजह से मुझे मंत्र सुनाई नहीं दिया। सिर्फ इतना समझ आया कि वो मंत्र पढ़ रहे हैं। तुम मेरी बात बीच में मत काटो। अब बीच में बोले तो मैं आगे कुछ भी नहीं बताऊंगा, शिव शरण ऊँची आवाज़ में बोले। नहीं नहीं बाबा जी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए, राम सेवक बोले। घेरा बन जाने के बाद गुरुजी ने हम दोनों को घेरे के अंदर आने को कहा। और हाँ, ये सब अमावस की रात को ही हो रहा था। उस वक्त हम तीनों खामोश खड़े थे। उस सन्नाटे में चिता की जलती हुई लकड़ियों और हड्डियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कभी दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज़, तो कभी आसपास के पेड़ों पर बैठे उल्लू के बोलने और उड़ते चमगादड़ों के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तभी चिता की आग की रोशनी में दूर से आते हुए दो आदमी दिखाई दिए। उन दोनों के कंधों पर कुछ था। जैसे जैसे पास आ रहे थे, वैसे वैसे समझ आया कि वो दोनों अघोरी हैं और उनके कंधे पर शायद वही लाश है जिसके बारे में उस अघोरी ने गुरुजी से बताया था। जब वो दोनों बिल्कुल पास आ गए, तब ये साफ हो गया कि वो दोनों राजू और भोला ही हैं और उनके कंधों पर एक युवा लड़के की लाश है। मुझे उसकी आत्मा भी उसके साथ चलती हुई दिखाई दे रही थी। जब वो दोनों बिल्कुल पास आ गए, तब मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे घर जाना है। मेरे माता पिता रो रहे हैं, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे जाने दो। राजू और भोला लाश को घेरे के अंदर लेकर आ गए। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि राजू और भोला के साथ जो आत्मा चल रही थी, वो उस घेरे के अंदर नहीं आ सकी। गुरुजी, आपने जिस तरह का शव लाने को कहा था, हम दोनों ठीक वैसा ही शव लाए हैं। इस शव में कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं, भोला बोला। गुरुजी उस शव के पास बैठ गए और उसे उलट पलट कर देखने लगे। उसके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं था, वो पूरी तरह निर्वस्त्र था। शव का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद राजू और भोला से बोले, समय निकला जा रहा है, जल्दी से इस लाश को नदी किनारे ले चलो। लाश को नदी किनारे ले जाने के बाद गुरुजी ने उसे अच्छी तरह नहलाया और साफ किया। उसके बाद वो दोनों उसे एक बार फिर घेरे के अंदर ले आए। उसकी आत्मा बार बार घेरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं घुस पा रही थी। ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा था, इसीलिए मैं थोड़ा विचलित हो रहा था। तभी गुरुजी बोले, तूने तो इस शरीर का साथ छोड़ दिया था, तो अब क्यों फिर से शरीर पाना चाहता है? अब इस शरीर पर तेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि तेरे सगे संबंधियों ने तेरे इस शरीर का त्याग कर दिया है। तू जिन्हें अपना मानता था, वो सब अब तुझसे नाता तोड़ चुके हैं। तेरा भाई, तेरी बहन, तेरे माता पिता और पत्नी रो ज़रूर रहे हैं,
लेकिन इसलिए नहीं कि तेरी मौत हो चुकी है, बल्कि इसलिए कि तेरे जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा। तेरे माता पिता के लिए तो बुढ़ापे का सहारा था, तेरी पत्नी के लिए उसकी ज़िंदगी भर का साथ था, तेरे भाई बहन के लिए तो ताकत था। अब तू भी उनकी मोह माया छोड़ दे और अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ। अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त होने में तेरी मदद करूँगा। गुरुजी ने उसे बहुत समझाया, तब कहीं जाकर वो गुरुजी की बात मानने को तैयार हुआ। गुरुजी उससे फिर बोले, मैं तुझे पुनः तेरे शरीर में डालने के लिए एक साधना करूँगा, तुझे मेरा साथ देना होगा, जिसके बाद तू सभी सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद गुरुजी ने उस आत्मा को उस घेरे के अंदर बुलाया। हम चारों लोग भी उसी घेरे के अंदर आ गए। उसके बाद गुरुजी ने थैले में से चंदन और एक बर्तन निकाला। उस बर्तन में चंदन का लेप बनाकर उस शव के पूरे शरीर में लगाया। हम सब ने उनकी मदद की। उसके बाद थैले में से रस्सी निकालकर उस शव के चारों तरफ लपेटकर हाथ और पैर अच्छी तरह बांध दिए। ये शव साधना का पहला चरण था, जिसके पूरा होने के बाद शव साधना का दूसरा चरण शुरू हुआ, जो कि बहुत ही भयानक और विचलित कर देने वाला था। मैंने अपनी आंखों के सामने वो सब होते हुए देखा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो सब देखने के बाद मेरा पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। शव को रस्सी से अच्छी तरह बांधने के बाद गुरुजी ने थैले का पूरा सामान बाहर पलट दिया। उसके बाद उसमें से एक छैनी और हथौड़ा लिया और एक ही बार में शव की खोपड़ी के अंदर छेद कर दिया। ये देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं अपने बगल में खड़े भोला से लिपट गया। उस वक्त मेरी आंखें बंद थी। लड़के, आंखें खोल और सब कुछ देख। मैं यहाँ तुझे इसलिए नहीं लाया कि तू आंखें बंद कर ले। तुझे आज एक अघोरी की सच्चाई का सामना करना ही होगा। अगर तू ये परीक्षा पास कर लेगा तो तुझे मुक्ति के मार्ग पर चलने से कोई भी नहीं रोक सकता, गुरुजी गुस्से में और कड़क आवाज़ में बोले। उनकी बात सुनने के बाद मेरी हिम्मत आ गई और मैं आंखें खोलकर वो सब देखने लगा जो गुरुजी कर रहे थे। मेरी आंखों के सामने ही गुरुजी ने खोपड़ी के अंदर बने सुराग में एक सुपारी डाल दी। उसमें से खून टपक रहा था। ये सब मैंने भोला से लिपटे हुए देखा। सर के अंदर सुपारी डालने के बाद गुरुजी ने शव के ऊपर कुमकुम और चावल छिड़का, जिसके बाद वो उसके पेट की ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और आँख बंद करके मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही ये मंत्र चारों तरफ गूंजने लगे, वैसे ही घेरे के चारों तरफ हजारों आत्माएं आकर चीख पुकार करने लगी। गुरुजी ने वो सुरक्षा घेरा उन्हीं प्रेत आत्माओं से बचने के लिए बनाया था। अगर वो घेरा ना बनाते तो प्रेत आत्माएं उन्हें शव साधना ना करने देती। जानते हो प्रधान जी, वो आत्माएं गुरुजी को शव साधना करने से क्यों रोकना चाहती थी? मुझे कैसे पता होगा बाबा जी, राम सेवक बोले। ठीक है, ये था शव साधना का दूसरा चरण। अब मैं तीसरा और अंतिम चरण के बारे में कल बताऊंगा। अब मेरी साधना का समय है। इतना कहकर शिव शरण ने राम सेवक को वहाँ से जाने को कहा। उस रात भी राम सेवक वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद शिव शरण बेताल साधना करने लगे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। घर जाते हुए राम सेवक को रास्ते में कुछ लोग बातें करते हुए सुनाई दिए, तो वो रुक कर उनकी बातें सुनने लगे। भाई, तुझे पता है वो मंदिर में रहने वाला बाबा बहुत बड़ा तांत्रिक है, वही है जिसने सजीवन के लड़के रवि को टोटके से मारा था। हाँ भाई, मुझे तो ये भी पता है कि वो इन दिनों मंदिर में कोई तंत्र क्रिया कर रहा है। ये बात तो मुझे भी पता है और पूरे गांव वालों को भी पता है कि वो जलते हुए अंगारों के बीच बैठकर साधना करता है। मैं उस साधना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो वो सबके सामने अंगारों में बैठ के करता है। मैं उस साधना के बारे में बात कर रहा हूँ जो वो सबसे छुपकर करता है। कौन सी साधना? पूरी बात बता। कल रात मैंने देखा कि एक आदमी तालाब में नहा रहा था। मैं जब उसके पास ये देखने जा पाता कि वो कौन है, तब तक वो नहा चुका था और तालाब से बाहर निकल जाने लगा। मैंने उसका पीछा किया तो मैंने देखा कि वो शिव मंदिर में आकर उसी झोपड़ी में घुस गया जहाँ वो साधु रहता है। मैं तुरंत समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वही है, और वही मंदिर के पीछे छुपकर देखने लगा कि वो अब आगे क्या करेगा। थोड़ी देर बाद वो काली धोती पहने झोपड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ में एक मूर्ति,
एक कटोरा और एक कपड़ा था। उसने सबसे पहले कपड़ा बिछाया, फिर उसी पर वो कटोरा रख दिया। उसके बाद वो एक बार फिर झोपड़ी के अंदर गया और एक लकड़ी का पाटा ले आया। उसने पाटा बिछे हुए कपड़े में रखा। उसके बाद वो उसी बिछौने पर बैठ गया। उसके बाद उसने वो मूर्ति पाटे पर रखी और उस बर्तन में से एक माला निकाली। उसके साथ कुछ और भी था, लेकिन मैं वो अच्छी तरह देख नहीं पाया। उसके बाद वो ध्यान मुद्रा में बैठ गया और माला फेरने लगा। उसके बाद आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब होश आया तो मैंने देखा वो साधु मेरे पास बैठा गांजा पी रहा था। मुझे इतना डर लगा कि मैं कुछ बोले बिना ही वहाँ से भाग आया। वो बहुत ही खतरनाक है, न जाने कितने लोगों की जान लेगा। रात में तूने वो सब कैसे देखा? अरे बेवकूफ़, चाँद की रोशनी इतनी है कि कुछ भी दिखाई दे जाए, और उसकी झोपड़ी में दीपक जल रहा था। अगर तू सच बोल रहा है और सच में ही वो साधु सबसे छुपकर कोई साधना कर रहा है, तो ज़रूर वो बहुत ही खतरनाक होगी। लेकिन एक बात बता, तू रात में तालाब किनारे क्या कर रहा था? मेरा खेत वहीं पर तो है, मैं रात के वक्त खेत में मवेशी देखने गया था, तो वो मुझे दिखा। उसे किसी भी तरह गांव से भगाना होगा, नहीं तो वो अपने काले जादू से न जाने कितने लोगों की जान लेगा। तू किस्मत वाला था जो तू बच गया, शिवजी ने तेरी जान बचाई है, नहीं तो कल रात तेरी मौत पक्की थी। हाँ भाई, तूने सही कहा, उसे किसी भी तरह इस गांव से भगाना होगा। पहले तो वो प्रधान भी हमारे साथ ही था, लेकिन अब नहीं लगता कि वो उस साधु को गांव से बाहर जाने देगा, क्योंकि उसी ने उसके बेटे की जान बचाई है। अगर गांव की रक्षा करना है तो हमें उन दोनों का कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। वो उनसे दूर थे और पेड़ की ओट में छुपे थे, जिस वजह से वो लोग ये नहीं देख पाए कि उनकी बातें कौन सुन रहा है। और उनकी बातें सुनने के बाद रामसेवक चुपचाप वापस घर आ गए। रामसेवक को उस रात नींद नहीं आई। वो उन गांव वालों की बातों के बारे में सोचते रहे कि क्या सच में शिव शरण कोई तंत्र साधना कर रहे हैं। अपनी शंका दूर करने के लिए सुबह होते ही वो शिव शरण के पास जा पहुँचे और रात में जो भी बातें उन्होंने सुनी थी वो सब उन्हें बता दी। उनकी बातें सुनने के बाद शिवशरण हंसते हुए बोले, अच्छा तुम मुरारी ने ये समझा और सबको वही बताया? मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि वो मुरारी था, क्योंकि पेड़ की ओट में मैं देख नहीं पाया कि वो कौन कौन थे। रामसेवक चौंकते हुए बोले, प्रधान जी, कल रात जब मैं बेताल साधना कर रहा था तब वो मुझे मंदिर के पीछे छुप कर देख रहा था। वो समझ रहा था कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तो शुरू से उसके बारे में जानता था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। शुरू से मतलब? शिवशरण की बात काटते हुए रामसेवक बोले, प्रधान जी, यह आपकी बहुत गलत आदत है, आप मुझे बीच में ही टोक देते हैं। शुरू से मतलब जब मैं तालाब में नहा रहा था तब से। मैं कोई मामूली साधना नहीं कर रहा हूँ प्रधान जी, बल्कि वीर बेताल साधना कर रहा हूँ, जो पूरे 44 रातों तक चलेगी। और अगर उसमें विघ्न पड़ा तो वो क्रोधित होगा और फिर तुम्हारे पूरे खानदान को उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। ना सिर्फ तुम्हारे खानदान को, बल्कि तुम्हारी अगली पीढ़ियाँ भी उसके गुस्से से नहीं बच सकेंगी। वो वही वीर बेताल है जिसे तुम्हारे पिताजी घर लाए थे और उसकी साधना करते हुए मारे गए थे। उस रात उसे मैं वचन में बांधकर अपने साथ लाया था। मैंने उससे वचन लिया था कि अगर वो तुम्हारे परिवार का पीछा छोड़ देगा तो मैं उसकी अधूरी साधना पूरी करूँगा। अगर मेरा वचन टूटा तो फिर वो भी अपना वचन तोड़ देगा और फिर उसका प्रकोप आपको ही झेलना है। मैं नहीं चाहता था कि मुरारी मुझे वीर बेताल साधना करते हुए देखे, क्योंकि उसका एहसास बहुत ही डरावना और भयानक होता है, इसलिए मैंने उसे मंत्र से सुला दिया था। शिवशरण की बात सुनने के बाद रामसेवक परेशान हो गए और उन्होंने शुरू से सब बता दिया कि कैसे उन्होंने लोगों के मन में उनके लिए गलतफहमी पैदा की और कैसे अफवाहें फैलाई। रामसेवक की बात सुनने के बाद शिवशरण हंसते हुए बोले, प्रधान जी, आपका किया लौटकर आपके पास ही आ रहा है, आप मेरी चिंता मत करिए, जो मेरे भोले चाहेंगे वही मेरे साथ होगा। मैं तो आज इस गांव से चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी चिंता नहीं है, बल्कि अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर बेताल साधना अधूरी रह गई तो आपका और आपके परिवार का क्या होगा। शिवशरण की बात सुनने के बाद रामसेवक बहुत ज़्यादा घबरा गए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। लेकिन रामसेवक ने पहले जो कुछ भी किया था, शिवशरण उस बारे में नहीं सोच रहे थे।
उन्हें सिर्फ उनके परिवार की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने उन्हें समझा कर वापस घर भेज दिया और अपनी साधना करने लगे। वो बेताल साधना नहीं बल्कि वही उनकी निरंतर चलने वाली, शिव को प्रसन्न करने वाली साधना थी। अंगारों के बीच बैठकर गांव वालों के मन में शिव शरण के प्रति जितनी भी गलत फहमियाँ थीं वो सब दूर करने की राम सेवक ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। गांव का एक भी व्यक्ति उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि गांव वालों के साथ पिछले कुछ दिनों से हो रही बुरी घटनाओं का जिम्मेदार शिवशरण नहीं है। राम सेवक ने शिवशरण से मिलना जुलना भी बंद कर दिया ताकि वो गांव वालों को किसी भी तरह से यकीन दिला सके कि वो उनके मित्र या शुभचिंतक नहीं हैं। एक दिन करके एक महीना बीत गया और शिवशरण से राम सेवक ने दूरी बनाए रखी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका उन्हें डर था। गांव के कुछ लोग मुरारी को साथ लेकर उनके घर आए और बोले, देखिए प्रधान जी, ये वही है मुरारी जिसने आपके शुभचिंतक और मित्र को उस रात तंत्र विधि करते हुए, अब ये पागल हो चुका है जो ये साबित करता है कि वो साधु हम गांव वालों के ऊपर काला जादू कर रहा है। अब हम उसे गांव में नहीं रहने देंगे। अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की तो हम ये भूल जाएंगे कि आप इस गांव के प्रधान हैं। राम सेवक ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न सुनी। जब राम सेवक उन्हें समझा रहे थे तभी वहाँ शिवशरण घर आ पहुँचे और बोले, क्या बात है, आज तो चौपाल ही सजा है प्रधान जी के घर। अच्छा हुआ तू हमें यहीं मिल गया ढोंगी साधु, अब हम तुझे इस गांव में नहीं रहने देंगे। तेरी वजह से हम गांव वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। उनमें से एक आदमी बोला, क्या हुआ भाई, मैंने तो किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। शिवशरण शांति से बोले, अगर तूने तकलीफ नहीं दी तो फिर ये क्या है। वो आदमी मुरारी को आगे करके बोला, ये तो मुरारी है, ये एक रात मेरे पास आया था और मुझसे बताया कि इसके घर में कहीं धन गड़ा हुआ है, अगर मैं वो धन निकालने में इसकी मदद करूँगा तो ये मुझे उसमें से हिस्सा देगा। मैंने मना कर दिया तो शायद इसने किसी और की सहायता ली और इसका ये हाल हो गया। देखो वो धन जिसका था उसी ने इसे पागल किया है, वो इसके सर पर बैठा है। शिव शरण ने उन्हें समझाया, हम में से कोई भी अब तेरी बात नहीं सुनेगा, तेरी भलाई इसी में है कि तू अब ये गांव छोड़ दे वरना। वो आदमी गुस्से से बोला, ठीक है भाई, अगर तुम सब चाहते हो कि मैं गांव छोड़ दूँ तो मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, उसके बाद मैं खुद ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। शिवशरण बोले, भले ही वो लोग नहीं चाहते थे कि शिवशरण गांव में रहे, लेकिन उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनसे डरते थे। उन्हें डर था कि अगर वो उनसे ज़बरदस्ती करेंगे तो उनके ऊपर काला जादू कर देंगे, इसीलिए वो शिवशरण की बात मानकर वहां से चले गए। आप इतने दिनों से मेरे पास नहीं आए तो मैं ही आपके पास चला आया, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। शिवशरण आने का कारण बताते हुए बोले, गांव वाले क्या चाहते हैं, राम सेवक ने शिवशरण को बताया। उनकी बात सुनने के बाद शिवशरण बोले, वैसे भी मैं कुछ दिनों के बाद यहां से चला जाऊंगा, मैं बस आपके काम के लिए रुका हूं। इतना कहकर शिवशरण सेवक को मंदिर आने को बोलकर वहां से चले गए। शाम के वक्त जब राम सेवक मंदिर पहुंचे तो शिव शरण ने उनसे शव साधना की बात बतानी शुरू की। मैं कुछ दिन बाद यहां से चला जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी काम अधूरा रहे, इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया है ताकि मैं अपनी अधूरी बात पूरी कर सकूं। अब मैं आपको शव साधना के तीसरे अंतिम चरण के बारे में बताऊँगा। जानते हो प्रधान जी, वो सभी आत्माएं गुरु जी को शव साधना करने के लिए रोकना चाहती थी क्योंकि शव साधना करने से प्रकृति के नियम टूटते हैं और गुरु जी वही कर रहे थे। शव साधना तभी सफल होती है जब मृत व्यक्ति की आत्मा को मंत्रों की शक्ति से पुनः उसके शरीर में प्रवेश कराया जाता है और ये प्रकृति नियम के खिलाफ है। शव साधना सनातन धर्म की सबसे कठिन साधनाओं में से एक मानी जाती है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। शव साधना करने के लिए साधक को अपने आराध्य पर अटूट विश्वास और बहुत निडर होना पड़ता है क्योंकि गलत शव साधना करने पर साधक या तो पागल हो जाता है या फिर उसी वक्त उसी व्यक्ति की आत्मा के हाथों मारा जाता है जिस पर बैठकर वो साधना करता है। गुरु जी
उस मंत्र का जाप निरंतर किए जा रहे थे। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि उस व्यक्ति की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने लगी, फिर उसकी सांस चलने लगी, फिर उस शव के पैर की उंगलियां हिली। कुछ देर बाद उसकी सांस और तेज़ हो गई, जिन्हें मैं साफ सुनता था, और वो पलके भी झपकाने लगा। शायद गुरुजी वो सब महसूस कर पा रहे थे, इसीलिए उनके मंत्रों की ध्वनि और तेज़ हो गई थी। मैं वहाँ खड़ा सिर्फ देख रहा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो सब क्या हो रहा है। जैसे उस शव के अंदर चेतना आ गई, गुरुजी उसके ऊपर से नीचे उतरकर बैठ गए और बोले, चल उठ जल्दी से और मुझे जो चाहिए वो दे, और जो तुझे चाहिए वो बता। उसके बाद वो शव आंखें खोलकर बोला, बता तुझे क्या चाहिए। तू इस समय जन्म और मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। तू ना तो जीवित है और ना ही मृत है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मैं अपने आराध्य के और निकट जा सकूँ। मैंने जो भी गलतियाँ या पाप किए हैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। गुरुजी हाथ जोड़कर उससे बोले, जो तू चाहता है वही होगा। अब मुझे सांसारिक मोह माया से मुक्त कर और जाने दे। इतना बोलकर उस शव ने फिर से आंखें बंद कर ली। उसके बाद गुरुजी ने वही पास ही रखे सरोते से उसके शरीर के सारे बंधन काट दिए। उसके बाद उसे फिर एक बार नदी किनारे ले जाकर स्नान करवाया और उसके बाद फिर से उसके ऊपर कुमकुम और चावल छिड़का और अंत में उसे नदी में बहा दिया। इस तरह गुरुजी ने शव के माध्यम से साधना करके खुद की और उसकी इच्छा पूरी करके उसे सभी बंधनों से मुक्त कर दिया। गुरुजी ने मुझे बताया कि शव साधना अघोर पंथ पर चलने वाले की आखिरी परीक्षा होती है। उससे पहले एक अघोरी को शमशान में शमशान साधना और शिव साधना करनी पड़ती है। उस रात मुझे डर तो बहुत लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था चुपचाप देखने के अलावा। लेकिन मैंने अपने गुरु महारुद्र के मार्गदर्शन पर चलकर अघोर पंथ पर चलने की शुरुआत की और उसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। मैंने तीनों साधनाएं सफलतापूर्वक की और फिर मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद देकर वहां से विदा कर दिया, ताकि मुझे जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं और जो शक्तियां मुझमें पहले से थी उनका उपयोग करके मैं लोगों का कल्याण कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। ठीक है प्रधान जी, अब मेरी बात पूरी हो चुकी है और मेरी साधना का समय भी हो गया है। अब आप जाइए। अपनी बात पूरी करने के बाद शिव शरण ने राम सेवक को घर जाने को कहा और वीर बेताल साधना करने लगे। एक एक रात करके शिव शरण ने सफलतापूर्वक 43 रातों की वीर बेताल साधना पूरी कर ली थी। अब वो रात आ चुकी थी जब वो साधना पूरी होने वाली थी। शिव शरण ने राम सेवक से साधना पूरी करने पर लगने वाले बेसन के लड्डू मंगवा लिए थे। इधर शिव शरण 44वीं और आखिरी रात वीर बेताल साधना की तैयारी कर रहे थे और उधर गांव वालों का सब्र जवाब दे चुका था, क्योंकि उनके साथ हो रही बुरी घटनाएं नहीं रुक रही थी। इसीलिए सभी गांव वाले इकट्ठा होकर उस रात किसी भी तरह शिव शरण को या तो गाँव से भगाने के लिए या फिर जान से मारने के लिए हाथ में लाठी डंडे और मशाल लेकर शिव मंदिर की तरफ चल पड़े। राम सेवक ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। शिव शरण ने पहले की तरह ही काला कपड़ा बिछाया, उस पर पाटा रखा, पाटे पर बेताल की मूर्ति रखी, बेसन के लड्डू रखे और फिर उसके सामने बेताल यंत्र रखकर हाथ से माला फेरते हुए बेताल सिद्धि मंत्र का जाप करने लगे। इधर शिव शरण मंत्रों का जाप कर रहे थे, उधर गाँव वाले उनकी तरफ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा जैसे कोई शक्ति उनके समीप आ रही है। फिर अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई दी, आंखें खोल और देख मैं तेरे सामने हूँ, बोल क्या चाहिए तुझे। आवाज़ सुनकर उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि बेताल उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। वो उसे देखते ही पहचान गए और बोले, पहले लड्डुओं का भोग लगा। बेताल ने मूर्ति के सामने रखे बेसन के लड्डू खाए और बोला, अब से मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं तुझे वचन दूंगा तो तुझसे भी वचन लूँगा, बोल तू मुझे क्या वचन देता है। जितनी मेरी इच्छा होगी, जब मेरी इच्छा होगी, जो मेरी इच्छा होगी वो मैं तुझे दूंगा। जितनी मेरी इच्छा होगी, जब मेरी इच्छा होगी, जो मेरी इच्छा होगी वो तू देगा। इस तरह शिव शरण ने वीर बेताल को अपने वचनों में बांध लिया। तब तक गुस्साए गाँव वालों ने
मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब तक वो शिव शरण की झोपड़ी तक पहुँचे तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। वो कब और कैसे वहाँ से निकले उनमें से किसी ने भी नहीं देखा। इस तरह शिव शरण ने राम सेवक से किए अपने दोनों वादे पूरे किए, उन्हें शव साधना के बारे में बताया और उनके पूरे खानदान और अगली पीढ़ी को उस बेताल के चंगुल से छुड़ाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने राम सेवक के पिताजी की आत्मा को भी उससे मुक्त किया था। अब तो आप जान ही गए होंगे कि कैसे होती है शव साधना। लेकिन एक सवाल आपके मन में अभी भी होगा कि क्या सच में प्रतापगढ़ गांव में होने वाली सभी बुरी घटनाओं का कारण शिवशरण थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। शिवशरण के प्रतापगढ़ गांव न जाने से पहले भी वहां बुरी घटनाएं होती थी, लेकिन जब से राम सेवक ने गांव वालों के मन में ये बात भर दी थी कि शिवशरण के कारण ही गाँव में दुर्घटनाएँ हो रही हैं, लोग अकाल मृत्यु से मर रहे हैं, तब से गांव में होने वाली किसी भी अकाल मृत्यु या दुर्घटना का जिम्मेदार गांव वाले शिवशरण को मानने लगे थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि यदि किसी के मन में शंका पैदा हो जाए तो उसे दूर करना लगभग नामुमकिन है। और हाँ, शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि उस रात शिवशरण गांव वालों से कैसे बचे। तो एक अघोरी जिसके पास इतनी तंत्र विद्या है और जिसने एक बेताल सिद्ध किया हो, उसे भला कौन क्या कर सकता है। शव साधना यहीं पूरी होती है। आपको शव साधना की पूरी सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही नई और दिलचस्प एवं डरावनी कहानियों के साथ। जय बाबा महाकाल।